नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था टारगेट विथ आलोक में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संस्था के द्वारा जूनियर एडिट की जो वैकेंसी आई है उसका बैच चलाया जा रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वो एकदम बिल्कुल फ्री है। आप बैच से जुड़ना चाहे तो भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहे तो भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको आगे मदद मिलती रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पहली बार यह प्रदेश सरकार के द्वारा पहली बार यह हमारा फैसला लिया गया है कि अब क्या है कि जो उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के तहत क्या है कि हम प्रतियोगी छात्रों के लिए एक एग्जाम की आयोजन की बात कही गई है जो कि पहले मैनेजमेंट के थ्रू होता है और यह सुनहरा मौका है उन सभी के लिए जो पहले ये सोचते थे कि कहीं पर प्रतियोगिता नहीं है तो हम कैसे उसमें अपने आप को दाखिल करें। तो वही चीज क्या है कि सरकार के द्वारा की गई है कि अब मैनेजमेंट के तहत नहीं, अब हमारे और आपके जैसे प्रतियोगी छात्र जो हैं या प्रतियोगी छात्राएं जो हैं वो एग्जाम के द्वारा इस वैकेंसी को फुलफिल कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। जैसा कि बाकी चीजें आपको बता दी गई हैं कि समय बहुत कम है, मेहनत ज्यादा है, तो अच्छी बात है, समय कम मेहनत ज्यादा और उसके बाद तो फिर आराम ही आराम है और समय ही समय है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहां इसकी बैच चल रही है, आप इस बैच से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको एंट्री जूनियर लिखकर अपने व्हाट्सएप से 8382966779 पे आपको व्हाट्सएप कर देना है, उसके बाद आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको कोई भी समस्या होती है तो सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक आप हमारे काउंसलर लोगों को इस पर फोन कर सकते हैं, वो आपके सारे डाउट सारी समस्याओं को वो आपको क्लियर कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस की चीजें आपने पढ़ी होगी, उसमें एक विषय है सामाजिक विषय में इतिहास, जिसके मैं अध्यापक हूं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इतिहास का सिलेबस बहुत ही इसने ब्रीफ तरह से किया हुआ है। देखिए, मेन मुद्दा होता है कि जब कोई ऐसा एग्जाम आता है जिसका कम समय में जिसकी तैयारी करके सिलेक्शन लेना होता है तो वो सिलेबस बनाने वाले भी इस चीज को जानते हैं कि हमें सिलेबस किस प्रकार बनाना है ताकि सामने वाला प्रतियोगी छात्र जो है उसको पढ़ सके और उस एग्जाम को कंप्लीट कर सके। एक बात है, आप लोग शिक्षक बनेंगे, हम ये अच्छे से जानते हैं कि जब हम क्लास 5 तक पढ़ते हैं तब हम पढ़ते नहीं हैं, हमें चीजें समझाई जाती हैं। जनरली जो पढ़ाई का हमारा स्तर चालू होता है वो क्लास 6 से चालू होता है। क्लास 6 से 8 की चीजों को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मतलब क्या, हमारा जो बेसिक आता है, जो हमारा बेस होता है, वो क्लास 6 से चालू होता है। इसलिए जब आप किसी से भी पूछते हैं कि हमें तैयारी करनी है कौन सी किताब लें तो सब कहते हैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी ले लीजिए या ये किताब ले लीजिए, जो भी चीजें हैं। तो मतलब यहां पर बच्चों को समझाना नहीं है, पढ़ाना है। वो भी पढ़ाना क्या है, उस स्तर पर पढ़ाना है कि जहां से पढ़ाई की शुरुआत मानी जाती है। हम ये चीजें आपको इसलिए नहीं कह रहे हैं, हम ये चीजें इसलिए आपको कह रहे हैं कि चूंकि ये परीक्षा पहली बार हो रही है तो जाहिर सी बात है जो प्रश्न पत्र बनेगा वो भी उसी लेवल का बनेगा जिस लेवल की आपको टीचिंग करनी है। और ऊपर से आप लोग ग्रेजुएट भी होंगे, इसके साथ साथ आप थोड़े परिपक्व भी होंगे, चीजें आपने पढ़ी होंगी, सिर्फ आपको एक पॉलिश की जरूरत है, बाकी आप में साइनिंग तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगी। उसके साथ साथ क्या है कि सिलेबस जो है हिस्ट्री का बहुत ही मतलब ब्रीफ सिलेबस दिया है, उसने कुछ भी बड़ा नहीं किया है सिलेबस में। देखिए, पहले सिलेबस को थोड़ा सा समझिएगा। सिलेबस जो है इतिहास जानने के स्रोत, ठीक, मैं आपको पहले बता देता हूं इतिहास क्या क्या सिलेबस में है। पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति। कहने का मतलब इसने सिलेबस से हड़प्पा को हटा दिया। देखिए दोस्त, एक सफल विद्यार्थी वही होता है जो पहले पाठ्यक्रम को देखता है ना कि पढ़ने बैठ जाता है। हमें महाभारत रामायण की रचना नहीं करनी है, हमें 55 दिन 50 दिन में पढ़ के सिलेक्शन लेना है। तो सिलेबस को समझने का प्रयास करिए। और ऐसा नहीं कि पहली बार एग्जाम हो रहा है तो लाइफ में आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाइए कि हमें टीजीटी पीजीटी तक की तैयारी करनी है या उससे कम। नहीं, आपको तैयारी दिमाग में यह रखकर करनी है कि आपको क्लास 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाना है। अब उनका क्या लेवल होता है उससे 2 लेवल ऊपर आपके जो प्रश्न पत्र हैं वही आएंगे। अगला है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। कहने का मतलब, जैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म जब इंट्रोड्यूस हुए, भारत के प्रारंभिक राज जिसमें 16 महाजनपद। आप पहले सिलेबस को समझ जाए दोस्त, आप कहीं भी पढ़िए, इसमें बहादुरी नहीं है। बहादुरी इसमें कि आप पहले सिलेबस को समझिए।
अब इसमें हड़प्पा नहीं है आपके सिलेबस में, तो ऐसा नहीं है कि आप हड़प्पा पढ़ने लग जाएं, नहीं, एकदम नहीं। 55 दिन में इतिहास कितना खत्म होता है ये जानता है कमीशन जिसने सिलेबस बनाया, इसलिए उसने उस हिसाब से आपको सिलेबस बनाया। और इसके सिलेबस और बाकी टीसीपी सिलेबस में जमीन आसमान का डिफरेंस है, आप देख सकते हैं, बैच में एक्सप्लेन भी किया गया है। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात कर रहा है, ना कि इसकी आर्थिक स्थिति, ना कि सामाजिक स्थिति, ना ही प्रशासनिक स्थिति। यही सेम चीजें दूसरे सिलेबस में चली जाती हैं। मौर्य उत्तरकालीन भारत, मतलब शुंग वंश, सातवाहन वंश, ये सब जिसमें आते हैं हिंद, यूनान, कुषाण, गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत, पुष्यभूति वंश और दक्षिण भारत के राज, मतलब इनका एक सामान्य परिचय। मतलब प्राचीन भारत में आपको केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री ही जाननी है कि किसने क्या स्थापना की, किसके शासनकाल में कौन सी पुस्तकें लिखी गई, किसने कौन से अभिलेख या शिलालेख या तमाम चीजों का निर्माण कराया। इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं सर पहली बार हो रहा है, वहां से भी चीजें पूछ देंगी, तो वो चीजें भी आपको पढ़ाई जाएंगी, लेकिन पहले सिलेबस का एक्सप्लेनेशन समझिए। छठी शताब्दी का धार्मिक तथा सामाजिक विकास, ठीक है, इसमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, ये तमाम लोग आ जाएंगे। इस्लाम का भारत में आगमन, मतलब मोहम्मद बिन कासिम से। दिल्ली सल्तनत की स्थापना, मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इनका विस्तार और विघटन, मतलब ये भारत में जब आए तो इन्होंने शुरुआत कैसे की, कहां तक इनका विस्तार हुआ और फिर इनका अंत कैसे हुआ, मतलब 1206 से लेकर 1526 तक का पॉलिटिकल हिस्ट्री का इतिहास जानना, मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री जाननी है। अब देखिए, जहां पर संस्कृति पढ़ानी है वहां पर संस्कृति ऐड है। जैसे देखिए, पाषाण कालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति। अब वही चीज देखिए, मुगल साम्राज्य और संस्कृति और पतन। संस्कृति और पतन मतलब, क्योंकि कई सारी अच्छी अच्छी इमारतों का निर्माण मुगल काल में हुआ, उसके साथ साथ कई सारी पुस्तकें मुगल काल में लिखी गई, कई सारे क्या कहते हैं विद्वान भी मुगल काल के समकालीन थे, मुगल शासकों के, तो यहां पर इसलिए संस्कृति का जिक्र कर दिया। उसके बाद यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन और यूं अंग्रेजी राज्य की स्थापना, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बेदरा का युद्ध, ये तमाम चीजें जब पढ़ाएंगे तभी तो भारत में एक अंग्रेजी सत्ता स्थापित होगी। भारत में 5 यूरोपीय आए लेकिन 5 में तो एक ही सक्सेस हुआ। उसके साथ साथ भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, ठीक, भारत में नवजागरण, मतलब जैसे हिंदू धार्मिक सुधार आंदोलन, मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खान, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, आत्माराम पांडुरंग, इन तमाम लोगों का जिक्र यहां पर करना है। उसके बाद स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत विभाजन, ठीक, कहने का मतलब 1920 से लेकर, असहयोग आंदोलन से लेकर 1947 तक, क्योंकि आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत में लगातार कोई ना कोई आंदोलन चलता रहा, भारत में लगातार कोई ना कोई क्रांतिकारी गतिविधि चलती रही, और यह तब तक चलती रही जब तक 1947 में हम स्वतंत्र नहीं हो गए, ठीक। और स्वतंत्र भारत की चुनौतियां, चुनौतियां जो है ये करंट अफेयर से रिलेटेड आ जाएगा, लास्ट में चीजें बता दी जाएंगी जो करंट अफेयर जहां से पढ़ाया जाएगा कि हमें क्या क्या अपने में सुधार करना। मतलब सिर्फ आपको इतना पूरा पढ़ना है, कहने का मतलब अगर हम इसे टीजीटी पीजीटी से कंपेयर करें तो उसका मात्र 30% पढ़ना है, 30%। तो गलत क्या है, 55 दिन में खत्म ही होगा, टीजीटी पीजीटी 200 दिन में खत्म होता है, उसका 30% निकाल लीजिए। तो आपको इतनी ही चीजों को जानना है, क्योंकि बार बार मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, दिमाग में एक ही चीज रखिएगा कि आपको क्लास 6-8 पढ़ाना है, और उनको कितना पढ़ाना है ये आप जानते हैं, आप भी पढ़ चुके हैं, हम भी पढ़ चुके हैं। तो जैसा आज का पहला टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहां से एक ना एक प्रश्न अवश्य आपके एग्जाम में रहेगा, भले पहली बार एग्जाम हो रहा है, हर जीवन में हर कार्य पहली बार ही होता है, मनुष्य जन्म पहली बार लेता है, मृत्यु को भी पहली बार प्राप्त होता है, स्कूल भी पहली बार जाता है, कॉलेज भी पहली बार जाता है, विवाह भी पहली बार करता है, पढ़ता भी पहली बार है, नौकरी भी पहली बार पाता है, लेकिन वो सारे कदम, वो पहली बार का जो उसका युद्ध होता है, उस युद्ध विजय को वो अपने जीवन काल तक कब तक रखता है, वही सच्चा मनुष्य है जो इस धरती पर आया है। पहली बार में आप सफल होकर एक शिक्षक बनेंगे, ये आपका युद्ध है।
अगर असफलता सोचेंगे तो असफलता मिलेगी, टफ सोचेंगे टफ मिलेगा, लेकिन अगर आप ये समझें कि नहीं ये मेरा वह पानीपत का युद्ध है जिसके बाद मेरे साम्राज्य की स्थापना होगी, तो बाबर पानीपत का युद्ध जरूर लड़ा। अगर बाबर यह सोच लेता कि नहीं मैं पराजित हो जाऊंगा तो बाबर दोबारा लड़ने नहीं आता, क्योंकि उसके पहले भी बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। तो आपको यह सोचना है कि हमें पहले युद्ध को जीतना है और इसके बाद मेरी मंजिल खड़ी है, मेरे लिए बुला रही है, बस मुझे इस पड़ाव को पार करना है। जैसे कॉमन सा टॉपिक सभी सिलेबस में होता है कि इतिहास जानने का स्रोत क्या है, स्रोत की बातें बाद में करते हैं। अब जब ये छोटे बच्चों को आपको पढ़ाना है तो मैं ये भी समझ लेता हूं कि मैं भी एक छोटा बच्चा हूं, मैं भी पढ़ना चाह रहा हूं और आप हमारे सब दोस्त लोग हैं, आपको समझा रहा हूं। थोड़ा मेरा इतिहास पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं उतना मतलब स्ट्रिक्ट होके नहीं पढ़ाता हूं, चीजें हंसते हंसते निकालता हूं। जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि सर आपका नाम गौरव पांडे है, इसका स्रोत कहां से मिलेगा, मैं कहूंगा भाई मेरा आधार कार्ड देख लीजिए, यह मेरे आइडेंटिफिकेशन का स्रोत है। कहेगा सर हमको विश्वास नहीं है। ठीक है भाई मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देख लीजिए। नहीं सर हमको इससे भी विश्वास नहीं है। अच्छा मेरा बर्थ सर्टिफिकेट देख लीजिए, तब कहेगा विश्वास है। वो कहेगा सर आपका प्रोफेशन क्या है, मैं टीचर हूं पढ़ाता हूं। सर हमको विश्वास नहीं है। आप टारगेट विथालोक में जाके पूछ लीजिए या वहां पे मेरे वीडियो देख लीजिए। मतलब यहां पर प्रत्येक मनुष्य को अगर जानना है तो उसकी जानकारी के कोई ना कोई स्रोत होते हैं। समझिएगा बात को, मैं इतिहास ही बताने वाला हूं आपको, क्योंकि हर मनुष्य का इतिहास या हर मनुष्य का पास्ट आगे चलकर ही इतिहास बनता है। तो मुझे भी जानने के जो स्रोत होंगे, या तो मेरी कोई आइडेंटिटी होगी, या मेरे द्वारा कोई ऐसे कार्य किए गए होंगे जहां पर मेरा स्टैच्यू बनाया गया होगा, या हिमाचल की पहाड़ी पर गौरव पांडे लिखा होगा, या मेरे नाम से किसी ने किताब की रचना की होगी, जो मेरे मरने के बाद मेरे जानने के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज उठती है कि इतिहास होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम, उसका हमारे आज के जीवन से क्या लेना देना है। तमाम लोग आपसे कहेंगे इति जोड़हास, तमाम इति पुरानी बातों को जानना, ये करना, नहीं नहीं नहीं, जानना क्या है, फायदा क्या है। आप अगर बैच में ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं तो फायदे के लिए पढ़ रहे हैं, नौकरी तो करना है, तो इतिहास पढ़ने का फायदा क्या है, ये सबसे बड़ा मुद्दा उठता है दिमाग में। देखिए हम इतिहास का जो परिभाषा है इतना आसानी से आपको समझा देंगे कि आपको लगेगा कि मतलब था कहां अभी तक ये बंदा। इतिहास, हम जब मान लीजिए कि मैंने पास्ट में अपने कोई गलती की है या आपने कोई गलती की है, तो उसको आप अपने वर्तमान और भविष्य में दोहराएंगे, कभी नहीं दोहराएंगे, उससे सीख लेंगे। लेकिन आपने अपने पास्ट में कोई अच्छा कार्य किया है तो क्या उसको करना भूल जाएंगे, नहीं, उसको आदर्श बनाकर आगे चलेंगे। तो कहने का मतलब कि हम इतिहास का अध्ययन इसलिए करते हैं ताकि जो भूतकाल में हमसे गलतियां हो गई हैं उसको हम अपने वर्तमान और भविष्य में ना दोहराएं, और जो अच्छे कार्य हुए हैं उनको हम आदर्श बनाकर आगे चलें। अब आप कहेंगे सर इससे फायदा, फायदा हमारे व्यक्तित्व का निखार, फायदा आपकी पोस्टिंग मान लीजिए इलाहाबाद हो गई तो इलाहाबाद का इतिहास जानना आवश्यक है, आपकी पोस्टिंग बस्ती हो गई तो बस्ती का इतिहास जानना आवश्यक है, आपकी पोस्टिंग बलिया हो गई तो बागी बलिया का इतिहास जानना जरूरी है, आपकी पोस्टिंग आजमगढ़ हो गई, क्यों, इसीलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। उसके साथ साथ अब आप कहेंगे सर आज के समय में इतिहास का क्या प्रयोग है, तो हंसते हुए एक सीधी सी लाइन में कहता हूं, आज इतिहास का ही प्रयोग है। भारत की भले आपके चैप्टर में नहीं हड़प्पा सभ्यता, भारत नहीं संपूर्ण विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, जिसको देखकर आज हम नगर प्रशासन प्रणाली की सुधार करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार मूल नियंत्रक सूचकांक लाया था, बाजार को भागों में बांटा था और प्रत्येक बाजार में अपने वस्तुओं की कीमत को सीमित किया था, उसी को जीएसटी कहा गया। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने इस्तहाक लाया था जिसको पेंशन विभाग कहा गया, आज उसी पेंशन विभाग का गठन है। फिरोज शाह तुगलक ने दारुले सफा लाया था, निशुल्क अस्पताल, आज वही सरकारी अस्पताल है। और उसके साथ साथ आधुनिक भारत में भी जो चीजें की गई है वो भी आज के प्रयोग में है। कहने का मतलब, या प्राचीन भारत में देखिए जो यज्ञ हुए, हवन हुए, देवता हुए, आज जो हम यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, घर में रामायण का पाठ कराते हैं, भागवत गीता का पाठ होता है, महापुराणों का पाठ होता है, ये सब कहां से आया, इतिहास से आया। तो इतिहास का जो प्रयोग है,
इतिहास का जो बेनिफिट है वो आज के समय भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में है और चलता रहता है। उम्मीद करता हूं यह परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। लिखना नहीं है, अभी समझना है, समझने का प्रयास करिए दोस्त। आप इतने परिपक्व हैं कि अब ग्रंथ नहीं बनाना है, ग्रंथ बनाएंगे तो पढ़ेंगे कब, बाकी ग्रंथ जहां बनाना है वहां मैं बनवा दूंगा आपसे। अगली बात समझिए। अब आप कहेंगे सर स्रोत क्या है जानने का? स्रोत, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरी आइडेंटिटी जानने के कुछ ना कुछ स्रोत होंगे, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट, TWA, ये जानने के स्रोत है मेरे, घर का एड्रेस। तो उसी प्रकार हिस्ट्री जानने के क्या क्या स्रोत हैं? जनरली क्या है कि देखिए, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हम आज पहला टॉपिक ही खत्म कर रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और पहला टॉपिक ऐसा खत्म हो जाएगा कि आपको लगेगा कि यार बस इतना ही पढ़ना है, और शायद जितना हम पढ़ाएंगे उससे कम ही पढ़ना है। इतिहास जानने का स्रोत। और एक बात और दोस्तों, मेरी बात को थोड़ा सा गहन सोचिएगा। जब हम पढ़ाई को पढ़ाई समझ के पढ़ते हैं तो हम पढ़ नहीं पाते हैं, और जब हम पढ़ाई को लड़ाई समझ के समझ पढ़ते हैं तो हम जीत जाते हैं। ये टेंशन मत लीजिए कि 55 दिन में कितना पढ़ना है, ये टेंशन लीजिए अरे हम तो पढ़े हुए थे, 10 दिन में एग्जाम आ जाता तो कर लेते। बी अ पॉजिटिव थिंकिंग एंड हैव अ पॉजिटिव वाइब्स टू अचीव अ सक्सेस इन योर लाइफ। जानने का स्रोत, भाई प्राचीन इतिहास में भाई जानने का स्रोत होगा, चाहे पुस्तक होगी, चाहे शिलालेख होगा, चाहे सिक्के होंगे। तो हम आपको पार्टीशन करके समझाते हैं और उसमें कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में बताते हैं, ठीक है? और यहां से एक सवाल रहेगा, डैम श्योर लिख लीजिए, एक तो मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। इतिहास जानने का स्रोत, हम बात करते हैं पहले, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, हम बात करते हैं पहले प्राचीन भारत की। किसकी? प्राचीन भारत की, क्योंकि सबसे ज्यादा टिपिकल प्राचीन भारत ही है। क्योंकि प्राचीन भारत में कभी संस्कृत, कभी भाषा प्राकृत होती थी, कभी पाली होती थी, कभी अर्धमगधी हो जाती थी, कभी क्या कहते हैं संस्कृत हो जाती थी, कभी आर्य लोग आए तो दूसरी भाषा बोलते थे, भारत में यूनान आए दूसरी भाषा बोलते थे, तो कभी क्रोस्टी हो जाती थी रानी अरमाई की। तो प्राचीन भारत को जानने के जो स्रोत हैं वो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं इतिहास को जानने के लिए, क्योंकि इतिहास प्राचीन भारत से ही चालू होता है। जैसे पहले हम आपसे बात करेंगे अभिलेख और शिलालेख के, समझिए। अभिलेख से भी हम जान सकते हैं, शिलालेखों से भी हम जान सकते हैं, और उसके साथ साथ एक और लेख होता है जिसको होता है, कहा जाता है गुहा लेख। मतलब अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख, ठीक। अभिलेख आप जानते होंगे, अभिलेख ताम्र पत्रों पर लिख सकते थे, दीवारों पर लिख सकते थे, कागजों पर लिख सकते थे। शिलालेख पत्थरों पर लिखा जाता था, गुहालेख गुफाओं में लिखा जाता था। देखिए, अशोक पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपनी बातों को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, और जो कि मौर्य वंश के बारे में जानने का सबसे बड़ा स्रोत है वो है अशोक के शिलालेख। मौर्योत्तर काल को जानने का सबसे बड़ा स्रोत है गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता का अभिलेख, रुद्रदामन का अभिलेख, और उसके साथ साथ गुप्त वंश को जानने का सबसे बड़ा स्रोत है स्कंद गुप्त और इरण का अभिलेख। तो कहने का मतलब क्या है, अब अभिलेखों की चर्चा हम आपको बताते हैं कैसे 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 आपको पढ़ना है। अभी आप समझिए, जैसे हम पहले अभिलेख की बात करें, अगर रुमिनदेई शिलालेख, ठीक, अभिलेख शिलालेख गुहालेख तीनों को मिक्स रूप में बता दे रहा हूं आपको भी, जो आपको आवश्यक है, ठीक है। जैसे पहला है रुमिनदेई शिलालेख, स्रोत में बता रहा हूं, ये पहला स्रोत है अभिलेख शिलालेख गुहालेख को, एक स्रोत में बता रहा हूं आपको। रुमिनदेई शिलालेख की क्या बात है, गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में जानकारी देने वाला जो शिलालेख है वो कौन सा है, रुमिनदेई शिलालेख। क्योंकि जब अशोक ने रुमिनदेई की यात्रा की थी, क्योंकि वो भाई बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो जब अशोक ने रुमिनदेई की यात्रा की थी तो उसने वहां पर
एक शिलालेख लिखवाया जिसको हम रुमिनदेही शिलालेख के नाम जानते हैं, जहां से हमें यह पता चलता है कि किसका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु जिले में हुआ है या लुम्बिनी गांव में हुआ है। शायद ये लिखता नहीं शिलालेख तो हमें पता भी नहीं चलता। उसके साथ साथ इसी शिलालेख में अशोक ने लिखाया है कि मैंने जब रुमिनदेही की यात्रा की तो मैंने वहां पर कर को समाप्त कर दिया। कर को समाप्त करने के बारे में भी जानकारी देने वाला सबसे पहला शिलालेख रुमिनदेही शिलालेख। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? बड़ी बात है, मतलब जो आज की डेट में कर प्रणाली है, टैक्स प्रणाली है, वो आज से नहीं है, वो प्राचीन भारत से है। प्राचीन भारत के शासकों ने कर लगाना चालू किया। तो पहला जो हो गया इंपॉर्टेंट रुमिनदेही हो गया। दूसरा हो गया सागौरा का अभिलेख, समझिए सागौरा का अभिलेख। सागौरा अभिलेख की खास बात क्या है कि यह सर्वप्रथम ताम्र अभिलेख है, गोरखपुर में पाया गया है। ठीक है, ताम्र अभिलेख कहने का मतलब कि यह सबसे पहले ताम्र पत्रों पे लिखा गया जो अभिलेख है वो सागौरा का अभिलेख है। देखिए, हम प्राचीन भारत को जानने के स्रोत बता रहे हैं आपको। सागौरा अभिलेख की खास बात क्या है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक था तो उस समय अकाल पड़ गया था। जैसे आज होता है कि किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, इतने सारे पैसे देंगे, ठीक है ये इतना पैसा देना है किसानों को, तमाम चीजें। तो उसी समय क्या था कि जब मगध में अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त ने लोगों की सहायता की, राजकोष से धन निकाल निकाल कर उसने लोगों की सहायता की, जिसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, सागौरा के अभिलेख से। अगला महत्वपूर्ण अभिलेख भब्रू शिलालेख। भब्रू शिलालेख से किस बात की जानकारी मिलती है? बहुत सारे शिलालेख अभिलेख हैं, लेकिन हम अभी आपको हम इंपॉर्टेंट पे चर्चा कर रहे हैं, यहां सवाल रहेगा। भब्रू शिलालेख से किस बात की जानकारी मिलती है? भब्रू शिलालेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि मगध का जो शासक था वो कौन था? अशोक था, जिसने देव नाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। अरे भैया अशोक शासक था, ये पता कैसे चलेगा? अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा मैं क्या कहता हूं कलकत्ता का शासक था, आप कहेंगे सर मजाक कर रहे हैं, तो हम कहेंगे जाके देख आइए वहां पर विक्टोरिया मेमोरियल में एक पिलर गड़ा है उसमें लिखा है गौरव पांडे विक्टोरिया का शासक था, तब आपको यकीन होगा। तो अशोक मगध का शासक था ये पता कैसे चलेगा? वो कहीं ना कहीं गुचवाएगा लिखवाएगा। तो उसने भब्रू शिलालेख में इस बात की जानकारी दी कि वो मगध का क्या था, शासक था। अगला देखिए नानाघाट का अभिलेख। नानाघाट के अभिलेख में क्या है, यह मौर्योत्तर काल में सातवाहन वंशों के द्वारा लिखवाया गया अभिलेख था, जो कि सतकर्णी प्रथम, सातवाहन वंश का शासक था सतकर्णी प्रथम, जिसने अपनी पत्नी नागनिका के नाम पर नानाघाट का अभिलेख लिखवाया। नानाघाट अभिलेख की खास बात क्या है कि यह भूमि दान के बारे में जानकारी देने वाला सर्वप्रथम अभिलेख है। मतलब पहले के लोग भी दानवीर थे। कर्ण का तो सुने होंगे हम लोग, कर्ण का नाम सुने होंगे, राजा बलि का नाम सुने होंगे, लेकिन नहीं, पहले के राजा भी क्या थे, दान देते थे भूमि ब्राह्मणों को, बौद्ध भिक्षुओं को, जैन भिक्षुओं को। तो नानाघाट का अभिलेख जो है ये भूमि दान के बारे में जानकारी देने वाला सर्वप्रथम अभिलेख है। इसके बाद आते हैं नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख गौतमीपुर सतकर्णी की माता गौतमी बलसरी ने लिखवाया था। कहा जाता है कि यह जो अभिलेख था यह गौतमीपुर सतकर्णी के मरने के बाद लिखाया गया, जिसको फ्यूनरल अभिलेख भी कहते हैं। फ्यूनरल मतलब मरने के बाद, ठीक है, जिसको हम फ्यूनरल अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। इसमें सातवाहन वंशों की पूरी जानकारी मिलती है, कहां पर क्या शासन हुआ, किसने कैसे शासन किया, भाई जानकारी चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण है इधर लिखते हैं, अगला है भित्तरी अभिलेख। क्या है भित्तरी अभिलेख? भित्तरी अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? भित्तरी अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि भारत पर हूणों का आक्रमण स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ।
किसके? अस्कंद गुप्त। मतलब क्या कि गुप्त काल के अंतिम समय पर भारत में मध्य एशिया वालों का आक्रमण होना क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। एक और महत्वपूर्ण अभिलेख है, बहुत जरूरी है, वहां से सवाल क्यों ऐसा लग रहा है, अंदर से आवाज आ रही है कि इस बार एग्जाम में रहेगा, वो है जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ का अभिलेख शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने लिखवाया था। जूनागढ़ अभिलेख जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का सर्वप्रथम अभिलेख है। संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का जो सर्वप्रथम अभिलेख है वो जूनागढ़ का अभिलेख है। कहने का मतलब जो शक या सीथियन थे वो भले बाहर से आए थे लेकिन उन्होंने संस्कृत भाषा को क्या किया था? अपना लिया था। इसके साथ साथ स्वयंवर के बारे में जानकारी देने वाला सर्वप्रथम अभिलेख जूनागढ़ का अभिलेख है। स्वयंवर कहने का मतलब कि पहले हमारे यहां विवाह स्वयंवर से होते थे। भाई हम रामायण में सीरियल में देखे, रामायण देखे, महाभारत देखे कि सीता माँ का स्वयंवर हुआ, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, लेकिन हम सीरियल देखे ना, हमारे अंदर इच्छा है कि यार ये इसका प्रूफ क्या है कि स्वयंवर हुआ? अगर स्वयंवर होता तो बाकी राजा लोग युद्ध करके क्यों रानियों को उठा लाते? तो जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का पता चला कि नहीं, भारत में पहले जो विवाह होता था वो किससे होता था? स्वयंवर से। इसके साथ साथ सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य की मदद से कराया था, सुदर्शन झील का भी उदाहरण देने वाला या जानकारी देने वाला जूनागढ़ का अभिलेख है। अब आप कहेंगे सर सुदर्शन झील से मतलब? मतलब ये कि पहले के भी जो शासक थे वो शरीर से तो ताकतवर थे, उसके साथ साथ बुद्धि के भी तेज थे, उन्होंने भी सुदर्शन झील का निर्माण सिंचाई के प्रबंध के लिए कराया था। आज बड़े बड़े वो डैम बनते हैं, डैम पता होगा आपको, ठीक है, गांव में नहर जाती है तो नहर क्या, पानी हवा से थोड़ी ना आता है, पानी कहीं ना कहीं से खोला जाता है। तो यहां पर सुदर्शन झील पर भी बांध बनवाया गया था जो कि वहां के इर्द गिर्द गांव और बाकी प्रांतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता था। उस समय उतना टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं था, बांस के बांध बना देते थे या मोटी मोटी लकड़ियों के बांध बना देते थे। जैसे आप बाहुबली पिक्चर में देखे होंगे दूसरे में, जब बांध टूट जाता है और वैसे ऐसे लेकर चढ़ने लगते हैं, सेम चीज। तो ये सब जो साहित्यिक स्रोत हैं इन्हीं से तो हम इतिहास निकालेंगे। एक और अभिलेख है, दो तो बताएंगे आज आपको। एक है एरण अभिलेख। क्या है एरण? ये एमपी में है, एमपी में एरण अभिलेख। ये गुप्त वंश का अभिलेख है। इससे गुप्त वंशावली की तो जानकारी मिलती ही मिलती है, ठीक है, सुपैया अभिलेख है उससे भी गुप्त वंशावली की जानकारी मिलती है, लेकिन एरण की खास बात क्या है कि सती प्रथा के बारे में जानकारी देने वाला सर्वप्रथम अभिलेख जो है वो एरण का अभिलेख है। भाई अगर राजा राम मोहन राय जी ने विलियम बेंटिक की सहायता करके सती प्रथा का अंत करवाया था और अकबर ने भी सती प्रथा पर रोक लगाई थी तो भारत में सती प्रथा की शुरुआत हुई कब? यह सबसे बड़ा सवाल उठना चाहिए दिमाग में। तो उसकी जानकारी एरण अभिलेख से मिलती है कि भानुगुप्त का सेनापति था गोपराज, जिसके मरने पर उसकी पत्नी ने उसके शरीर के साथ बैठकर सती का पालन किया। तो मतलब भारत में हमारे सती प्रथा का क्या था? प्रचलन था, जिसको आगे चलकर राजा राम मोहन राय की सहायता से विलियम बेंटिक ने क्या किया? समाप्त किया। एक और अभिलेख बता देते हैं। आप कहेंगे सर सिर्फ उत्तर भारत का बता रहे हैं। एहोल अभिलेख, एहोल, एहोल बीजापुर में है, ठीक है, बीजापुर में। एहोल अभिलेख से किस बात की जानकारी मिलती है? एहोल अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि किस प्रकार वातापी, वातापी माने आंध्र प्रदेश, वातापी के चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को, जो पुष्यभूति वंश का शासक था, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी घाटी के किनारे पराजित किया। इस बात की भी जानकारी कहां से मिलती है? एहोल अभिलेख से। कहने का मतलब ये जितने हमने शिलालेख अभिलेख बताए इसमें किसी न किसी प्रशासक, ठीक है, किसी न किसी सेनापति, किसी न किसी प्रांत, किसी न किसी प्रथा का जिक्र मिलता है। तो जहां से हम इतिहास लिखना चालू करते हैं कि मौर्य वंश का ये है, इनका ये है, इनका ये है, तो जो प्राचीन भारत को जानने का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? वो अभिलेख है, शिलालेख है और गुहालेख है। हम आपको एक मिनट दे, 10 सेकंड देते हैं, चाहे तो लिखना चाहे तो लिख लीजिए इसको।
दूसरा स्रोत क्या है? दूसरा भाई हमारा भी तो स्रोत था, आधार था, डीएल था, बर्थ सर्टिफिकेट, हमारे लिए तो इतना आइडेंटिफिकेशन ले लिया। अभी क्लास पढ़ाने के बाद अभी आप लोग और लोगों से आइडेंटिफिकेशन लेंगे कि कैसे पढ़ाते हैं क्या है, तो हमको भी तो आइडेंटिफिकेशन बताना पड़ेगा ना भाई, कहां से इतिहास आया। तो अगला जो स्रोत है वो स्रोत है सिक्के, क्वाइंस। क्या है? क्वाइंस। सिक्कों के बहुत बड़े स्रोत होते हैं। सिक्के से हम जान सकते हैं क्योंकि उस पर डेट लिखा रहता है, राजा का नाम लिखा रहता है। अगर कनिष्क नाम का कोई राजा था ही नहीं तो फिर सोने के सिक्के कैसे चले? अगर भैया सातवाहन वंश था ही नहीं तो शीशे के सिक्के पर कैसे सातवाहन वंश लिखा गया? तो जो सिक्के होते हैं ये भी जानने के बहुत बड़े स्रोत हैं। अभी हम आपको इमेज भी दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम हल्के बता रहे, इमेज दिखाएंगे। लेकिन यहां पर कुछ आपको मैं बैकग्राउंड बता देता हूं। भारत में हड़प्पा सभ्यता में मुहर चली, मुहर भाई जो चैप्टर में नहीं है लेकिन लेकर तो चलना पड़ेगा ना उसको, मुहर चली एक श्रृंगे हिरण वाली, जिसको अलेक्जेंडर कनिंघम पाए तो फिर कर्जन ने बाद में पुरातत्व विभाग का गठन किया। लेकिन भारत में जो मुद्रा की शुरुआत हुई वो बौद्ध काल से हुई, और भारत की जो सबसे पहली मुद्रा थी वो चांदी की बनी होती थी, चांदी की, जिसको हम आहत मुद्रा कहते थे। कौन सी मुद्रा? आहत मुद्रा। आहत माने होता है चोट लगना, चोट, कोई मार देगा आहत हो गया, चोट लगना। मतलब क्या कि इस समय के जो सिक्के थे वो पीट पीट कर बनाए जाते थे, मतलब कोई उनका पर्टिकुलर शेप और साइज नहीं होता था, इसे पीट के बना दिए। अभी आपको पता होगा 2 साल पहले, नाम नहीं याद आ रहा उस व्यक्ति का, उसको एक सिक्का मिला था रुद्रदामन प्रथम का सिक्का, और उस सिक्के की प्रदर्शनी लगी थी, उसने उस सिक्के को 1,40,00,000 रुपए में बेचा था। भाई भारत में भी पुरानी चीजें बिकती हैं, पहले बैंक वगैरह तो था नहीं। बात कहेंगे सर सब सिक्के मिलते कहां से हैं? भाई पहले तो बैंक वगैरह था नहीं कि हम गए खाते में जमा करके चले आए। पहले लोग के पास जब धन होता था तो वो जमीन के नीचे गाड़ के रखते थे। अरे पुराने धन को खोजना भी एक स्टडी है, कितने लोग तो बर्बाद हो जाते हैं पैसा खोजने के चक्कर में। तो पहले क्या है कि जमीन को खोद कर गाड़ देते थे। अब जैसे क्या है, जैसे कि वो कुमार गुप्त प्रथम का सिक्का है, भरतपुर के बयाना गांव से पाया गया। एक आदमी घर बनवा रहा था तो देखा मेटी भर भर के सोना का सिक्का निकल रहा है। तो ये जब खुदाई होती है तो यहां से जब चीजें पाई जाती हैं सिक्के, तो वहां से हमको सबसे ज्यादा आइडेंटिफिकेशन मिलता है, क्योंकि उस पर डेट भी होती है, राजा की आकृतियां भी आ जाती हैं, राजा के नाम भी होते हैं। तो भारत की पहली मुद्रा चांदी की थी, जो क्या हुई? आहत मुद्रा। फिर यह मुद्रा जो है चलती गई मौर्य काल तक। फिर सातवाहनों के शासन काल में एक खास बात हुई, इन लोगों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के चलाए, शीशे और पोटीन के सिक्के चलाए। इट्स अ टाइप ऑफ मैग्नीज, ठीक है, शीशे और पोटीन के सिक्के चलाए, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? विम कटफिसस आया। कौन आया? विम कटफिसस, जिसने सबसे पहले किसके सिक्के चलाए? सोने के सिक्के चलाए, ठीक। उसके बाद क्या आया? गुप्त काल आया, और गुप्त काल में क्या हुआ कि सर्वाधिक जो सोने के सिक्के चले, कौन सा सर्वाधिक सोने के सिक्के? के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए। कुषाण वंश और गुप्त वंश में कंफ्यूज मत होइएगा, कुषाण वंश में सर्वाधिक शुद्ध प्रकार के चलाए गए और गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए। यहां देखिए, दिमाग पे प्रेशर में डालिए, ये सिक्कों से कैसे पता चला? अब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए सिक्का दिख रहा है, ये सब सिक्का दिख रहा है, जिसे लग रहा है कोनो ट्रेन से कूच दिया है। सिक्का जब मिलेगा ना आपको तो आप कहेंगे ये बेकार है, इसके ऊपर ट्रेन चल गई थी, क्रेन चल गई थी। लेकिन ये सिक्का मार्केट में बेचेंगे ना तो कम से कम 2-4 करोड़ रुपए का बिकेगा। अब देखिए, जैसे देखिए, ये विम कटफिसस का सिक्का है, ये वाला विम कटफिसस का, यहां पर भी है, देखिए लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ देखिए, देखिए आप नहीं पढ़ पाएंगे, जो सिक्कों की अध्ययन करता है वो पढ़ लेगा। अब इस सिक्का पे विम कटफिसस बना है और ये सोने का है, ये मिला है, तो हम कैसे नहीं कह सकते हैं कि विम कटफिसस ने शासन किया? भाई कहेंगे ना, स्रोत की ही बात कर रहा हूं अभी।
आई एम स्टिल अलाइव। अरे अभी वो कागज मूवी आई थी ना पंकज त्रिपाठी जी की, जिसको बेचारे को ये प्रूव करने में लग गया कि वो जिंदा है, वो जिंदा है, उसने भी भगत सिंह की तरह न्यायालय में पर्चा फेंका तो प्रूव करने में लग गया। तो उसी तरह इतिहास है, इसको प्रूव कर रहा हूं मैं कि हाँ हिस्ट्री इज स्टिल अलाइव। तो ये देखिए भीम कटफिशर्स का सिक्का, ये कनिष्क है, कनिष्क देखिए लिखा है कनिष्क, ये कनिष्क का सिक्का है। ये लोग अपनी आकृति पर, भाई पहले आकृति बनती नहीं थी, फिर क्या हुआ कि जब हिंद यूनानियों का आक्रमण हुआ मौर्य काल में, तो वो सिक्कों पर राजा की आकृति बनाना स्टार्ट कर दिए, उसके साथ साथ राजा का नाम अंकित करना चालू कर दिए, डेट अंकित करना चालू कर दिए, ठीक है। हाँ ये देखिए, ये देखिए पोटीन का सिक्का है, ये पोटीन का सिक्का, पोटीन का, कुछ लोग कहते हैं ये वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी है, कुछ लोग कहते हैं रुद्रदामन प्रथम है, चांदी का है, चांदी का देखिए सिक्का है। तो यार जब सॉरी अरे दोस्तों जब ये सारी चीजें हमें मिलती हैं, हाँ देखिए है ये पोटीन का सिक्का है, पीट पीट के बना है। तो जब ये सारी चीजें हमको मिलती हैं सिक्के जमीन से, भाई जैसे आपको शिक्षक बनना है तो आप शिक्षक की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी को आईएएस बनना हो तो आईएएस की पढ़ाई कर रहा है, उसी प्रकार किसी को पुरानी चीजें खोजने में इंटरेस्ट है तो वो पुरातात्विक पढ़ाई कर रहा है। तो वही चीज यहां पर है कि ये देखिए इन सिक्कों पर ये जो आकृति और नाम मिले, इससे भी हमने राजाओं के बारे में क्या हासिल की, जानकारी हासिल की। तो दूसरा जो साहित्यिक स्रोत हो गया जानने का, वो क्या हो गया, प्राचीन भारत की बात कर रहा हूं अभी, सिक्के हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा एक्चुअली प्राचीन में महत्वपूर्ण नहीं होगा, वो आधुनिक में सॉरी मध्य में महत्वपूर्ण होगा। तीसरा है पुस्तकें, क्या है पुस्तकें, पुस्तकों में सबसे पहले आंख बंद कर बच्चे से भी पूछेंगे ना, बाबू ये बताओ कि कौन सी पुस्तक से भारत का इतिहास पता चलता है, या कौन सी ऐसी पहली पुस्तक है जिससे पहली बार भारत में राजनीतिक इतिहास का विकास मिलता है। किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो कहेगा सर कल्लड़ की रास तरंगड़ी से। तो कल्लड़ जी ने, अच्छा हुआ कि लोग किताब लिखे, नहीं तो हम जान ही नहीं पाते कि हमारा जो भारत है, ठीक है, वो इतना समृद्ध था, इतना मतलब समृद्ध भारत था हमारा, हम जान ही नहीं पाते आज के हालात देखकर। तो कल्लड़ की रास तरंगड़ी से हमको कश्मीर का भी इतिहास मिलता है, हमको भारत के राजनैतिक इतिहास की भी जानकारी मिलती है, हमको अशोक की भी जानकारी मिलती है कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की, हमको कनिष्क की भी जानकारी मिलती है कि कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक शहर की स्थापना की, वहां पर कुंडलवन नामक बौद्ध विहार की स्थापना की। तो भारत के जो पहला भारत में राजनैतिक इतिहास जानने के स्रोतों में, पुस्तकों में जो सबसे पहली पुस्तक है कौन है, कल्लड़ की रास तरंगड़ी। इसके बाद वेद है, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्वेद, जिससे हमें वैदिक संस्कृति की जानकारी मिलती है। फिर क्या है, रामायण है, जिससे भाई उससे भी रामायण से भी तो जानकारी मिलती है, कभी घर पर रामायण बैठवाइए और बैठ के सुनिए, केवल पानी और चाय पिलाने मत जाइएगा, तब पता चलेगा। महाभारत से भी मिलती है, महापुराणों से भी मिलती है, जैसे मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का जिक्र मिलता है। तो कल्लड़ की रास तरंगड़ी हो गई, वेद हो गए, रामायण हो गए, महाभारत हो गए, महापुराण हो गया, याज्ञवल्क्य की मनुस्मृति हो गई जो कि राजनैतिक इतिहास की जानकारी देती है, उसके साथ चाणक्य की अर्थशास्त्र हो गया जो कि भारत में लोक प्रशासन या राजनीति पर लिखी गई सर्वप्रथम पुस्तक है। अरे पुस्तक ये जो लिख रहे हैं किसी न किसी राजा के दरबार में बैठ के लिख रहे हैं, और उससे भारत के बारे में ही तो लिखेंगे कि विदेशों के बारे में लिखेंगे। उसके साथ साथ और बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात, जैसे पाणिनी की अष्टाध्यायी हो गई जो कि व्याकरणाचार्य थे, उन्होंने संस्कृत भाषा में व्याकरण पुस्तक की रचना की, ग्रामर जो आप भाषा आज पढ़ते हैं। उसके साथ साथ विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस हो गई, जिससे जो संस्कृत भाषा में लिखा गया सर्वप्रथम जासूसी ग्रंथ है, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य और अर्थशास्त्र का जिक्र मिलता है। इसके साथ साथ इसकी एक और पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम है, जिससे रामगुप्त, ठीक है, कुमार देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ बाण भट्ट की हर्षचरित है, जिससे हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है।
पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंद्र बरदाई निवास करते थे, जिसकी थी पृथ्वीराज रासो, जिस जो इनके दरबारी कवि थे, जिससे पृथ्वीराज चौहान की जानकारी मिलती है। तो मतलब प्राचीन भारत के जानने के स्रोतों में ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत की भी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसे लिखना चाहे लिख लीजिए, बाकी इसको डिटेल पढ़ाया जाएगा, इसी बात नहीं है। एक और बचा है और वो सिर्फ प्राचीन भारत पे अप्लाई होगा, एक और स्रोत बचा, वो है पुरातात्विक खोज। पुरातात्विक खोज है और सिर्फ प्राचीन भारत पे वो अप्लाई होगा। उसमें पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ये सब चीजें। अब जैसे भाई हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हो रही, लगभग 1400 स्थल मिल गए, 1400, तो जमीन के नीचे ही तो हैं, उन्हें खोजा ही तो जा रहा है। अब पाषाण काल को पाषाण काल क्यों कहा गया, क्योंकि पत्थरों का काल था, पत्थरों के औजार होते थे। और इन पुरातात्विक साक्ष्यों की जो हम डेट निर्धारित, नाम तो नहीं निर्धारित कर पाते हैं हम, नाम क्या है कि जैसे होशंगाबाद में कोई चीज पहली बार मिली तो जैसे वहां पर होशंगाबाद के नाम से रख दिया गया, जैसे मानव का अक्षर प्रथम जो खोपड़ी मिली थी, खोपड़ी अरुण सोनकिया को, अरुण सोनकिया को मतलब पूरा पाषाण काल में सबसे पहले मानव की एक खोपड़ी मिली थी, मानव की, जिससे ये हुआ कि मानव का उदय हो गया, वो नर्मदा नदी घाटी के किनारे पाया गया था, अरुण सोनकिया को मिला था। तो ये जब ये सारी चीजें पत्थर वाले औजार नुकीले पाए जाते हैं, इन चीजों की जो हम जानकारी पाते हैं उसके लिए केमिस्ट्री ने हमको एक बहुत बढ़िया चीज दी है, उसे कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग के तहत हम जो पुरानी चीजें खोजते हैं, जो मिलता है, उसकी हम आयु निर्धारित कर देते हैं। अब जैसे हड़प्पा के पास या हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई हुई थी, तो इसीलिए उस स्थान के नाम पर हड़प्पा सभ्यता रख दिए, क्योंकि कोई एग्जैक्ट नाम तो मिल नहीं रहा है। गुजरात के धौलावीरा में हुआ, गुजरात के लोथल में हुआ, राजस्थान के कालीबंगा में हुआ, मोहनजोदड़ो में हुआ, बनवाली में हुआ, तमाम जगह। तो जहां पर हमें नाम नहीं मिलता है, वहां पर उस स्थान के नाम पर हम उस चैप्टर के नाम को या उस सभ्यता के नाम को या उस संस्कृति के नाम को रख देते हैं। और इसके लिए पुरातात्विक खोज जो है जिम्मेदार होता है, और इसके लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, रेडियो कार्बन डेटिंग करता है। उम्मीद करते हैं कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि प्राचीन भारत को जानने के स्रोत क्या है। और हम आपको ये बात लिखित दे सकते हैं कि इस क्लास से एक सवाल पक्का रहेगा, बस रहेगा, ये आप मान के चलिए, चाहे दूसरे पे में पूछा जाए, वो हम प्रैक्टिस में करवाएंगे, लेकिन पक्का रहेगा। फिर से कहते हैं दोस्तों, पहली लड़ाई हारने के लिए नहीं होती है, पहली लड़ाई ना सीखने के लिए होती है, पहली लड़ाई जीतने के लिए होती है। हारेंगे तो सीखेंगे, लेकिन उस सीख को कब तक बरकरार रखेंगे यह मुश्किल है कहना। इसीलिए लड़ाई को लड़ते हैं रहना, और तब तक है लड़ते रहना जब तक उसे जीत नहीं जाना। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, आशा करता हूं सबको सफलता मिलेगी। हमारी मुलाकात फिर होगी, बहुत जल्दी होगी, मध्यकालीन के स्रोतों के साथ। तब तक के लिए सेहत का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।